अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 2 दिसंबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट और कप्तान के दरमियान सीज फायर हो चुका है, सुलह हो चुकी है। सबसे पहले जीएचक्यू से कप्तान के पास एक पैगाम पहुंचा और अब कप्तान की जानब से पीटीआई की जानब से भी जीएचक्यू के पास जनरल आसिम मुनीर के पास पैगाम पहुँच चुका है। मोनस इलाई की जानब से जनरल बाजवा पर बड़े शर्मनाक इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जनरल बाजवा को झूठा साबित किया गया है। इस हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे। रात से सोशल मीडिया पे बड़ी टों टों हो रही है, ओ देखो देखो मोनस इलाई ने पीटीआई को नंगा कर दिया। ये सारी यानी एक 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 ख़ास तरह की कि जनरल बाजवा ने तो एहसान किया था इमरान खान पर, जनरल बाजवा ने तो उल्टा काफ लीग को कहा था कि आपको बिल्कुल भी खान को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप कप्तान के साथ खड़े हो जाएं। देखें मोनस इलाई ने खुद ही बता दिया है। ये जो सारे इस तरह की टों टों कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये जनरल बाजवा पर इंतहाई गलीज और शर्मनाक इल्जाम है। अगर ऐसा हुआ है, ये तो जनरल बाजवा को मजीद मुतनाजा कर रहे हैं। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा इंटरनेशनल अखबारों में, गल्फ न्यूज़ में, आईएसपीआर के ज़रिए, अपनी आखिरी तकरीरों के ज़रिए वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने फरवरी के महीने में ये फैसला किया था कि खबरदार अब कोई सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होगी, खबरदार बहुत हो गया, फ़ौज को हमने बहुत मुतनाज़ा बना लिया सियासत के अंदर घसीट कर, अब नहीं होगा, अब हैं हम ए पोलिटिकल, अब हैं हम न्यूट्रल। लिहाजा हम जब न्यूट्रल हो गए ना, कुछ लोगों को तकलीफ हो गई और उन्होंने हमारे खिलाफ झूठा बयानियां बनाना शुरू कर दिया। यानी जनरल बाजवा साहब जाते जाते पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को ये बता रहे हैं कि हमने फरवरी के महीने में फैसला कर लिया था जनाब कि हम इस सारे गंदे खेल से साइड पर हो जाएंगे। मोनस इलाई साहब कह रहे हैं कि मार्च के आखिर में, अप्रैल के शुरू में जनरल बाजवा साहब ने हमें कहा कि जाओ खान की तरफ, तो ये सियासत नहीं है तो क्या है? यानी लोग तो इसको बड़ा और तरह से ले रहे हैं ना कि जनरल बाजवा की देखो कितनी बड़ी अच्छाई है, देखो देखो खान पर भी एहसान किए हैं जनरल बाजवा ने, और देखो काफ लीग तो उनके कहने पर गई थी। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जनरल बाजवा चीख चीख कर बताते हैं कि हम एपोलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, और यहां पर खुल्लम खुल्ला एतराफ किया जा रहा है कि हमें तो जनरल बाजवा ने भेजा था। तो लिहाजा ये तो जनरल बाजवा के खिलाफ चार्जशीट है, ये तो उल्टी जनरल बाजवा पर इल्जाम है, ये तो उल्टा जो एक बड़ा हमला है जनरल बाजवा पर। यानी आप जनरल बाजवा को झूठा साबित कर रहे हैं, नेशनल टीवी पर बैठ के झूठा साबित कर रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ये जो झूठ झूठ बोलते रहे हैं कि हम ए पोलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, वो तो हमें कह रहे थे कि आप पीटीआई की तरफ जाएं। और फिर हामिद मीर साहब ने उस पर मोर लगा दी। हामिद मीर साहब ने कहा ये बड़ा इंकशाफ नहीं है, ये जो आप इंकशाफ लिए बैठे हुए हैं कि जी वैसे मोनस इलाई ने बड़ा सियासी धमाका कर दिया। वो कहते हैं जनरल बाजवा ने तो इवन बाप पार्टी को, एमक्यूएम को भी कहा था कि आप इमरान खान को ना छोड़ें। यानी हामिद मीर ने उल्टी एक और मोर लगा दी कि जनरल बाजवा साहब तो उस वक्त जब कह रहे थे कि हम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहे, उस वक्त भी मुदाखलतें कर रहे, उस वक्त भी वो पार्टीज को वो हदायत दे रहे थे उधर जाएं उधर ना जाएं, या इधर जाएं या उधर जाएं। यानी वो तो मुकम्मल तौर पे जैसे एक पीछे बैठ के आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप दे रहे होते हैं सारे मशवरे। ये तो सारे हामिद मीर ने भी बता दिया और मोनस इलाई साहब ने भी बता दिया। तो मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान जो हमेशा कहा जाता है कि जोग्राफियाई लिहाज से एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है कि बेशुमार मुश्किलात हैं। यानी अगर आपके सिपा सालार की इतनी मसरूफियात हैं, उन बेचारों को यह भी देखना पड़ता है कि काफ लीग किसके साथ जाएगी, बाप पार्टी किसके साथ जाएगी, एमक्यूएम उधर नहीं जाएगी, और फलां कितने वोट हैं, फलां कितनी सीटें हैं, इस पार्टी को इधर से काट दो, इसको उधर ले आओ। तो बड़ी वो मेहनत तलब काम है, ज़ाहिर मसरूफियत है। मैं तो हैरान हूं कि वो बाकी कामों के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं जब इतनी ज्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ ये जो मोनस इलाई के बारे में बड़े लोग खुश हो रहे हैं, और हम भी बड़ी गलत फहमी का शिकार थे कि मोनस इलाई शायद कोई नया चेहरा है, और हम मुतासर थे मोनस इलाई से, बड़ा मुतासर थे कि एक पर्सनैलिटी वाइज और बोल्ड स्टेप। यानी चौधरी बरादरान ने तो ये बयान देके अपने आप को नंगा कर दिया, जो इज्जत बनी हुई थी।
देखिए इस बयान का कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन चौधरी बरादरान ने अपने आप को नंगा कर दिया कि यार आपकी इतनी भी औकात नहीं है, आपका इतना भी सियासी कद काठ नहीं है, आपका इतना भी नजरिया नहीं है कि आप अपनी मर्जी के बगैर कहीं जा सकें या आ सकें। यानी आपने ये भी फैसला एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे किया, यानी आप चौधरियों चौधरी होने के बजाय एस्टैब्लिशमेंट के टट्टू हैं, एस्टैब्लिशमेंट के कमी हैं कि आपको कह दिया और हम तो उनके कहने पे गए, वो तो उनकी अच्छाई थी कि हम तो उनके कहने पे गए। यानी आपके पास कोई अकल नहीं, कोई सूझबूझ नहीं, कोई मत नहीं, यानी आपकी औकात इतनी है कि अगर आपको एक अफसर कह दे कि आप उधर जाएं, आप पूरी की पूरी आपकी वजादारी, आपकी पूरी पार्टी, आपका पूरे का पूरा नजरिया, यानी इसका मतलब यह ना कोई आपकी पार्टी ना कोई नजरिया कुछ भी नहीं, आप तो हुक्म के गुलाम हैं। तो आज मोनिस इलाही साहब का कद बड़ा छोटा हुआ है, यानी हमें तो यह था कि मोनिस इलाही साहब ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है और वो खान के साथ खड़े हो गए मुश्किल वक्त में, लेकिन उन्होंने बता दिया कि बोल्ड स्टेप कौन था भाईजान, हमें तो जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि उधर जाएं और हम चले गए। और इसके बाद मजीद भी शकूक शुबहात बढ़ते हैं कि आप पंजाब असम्बली डिजॉल्व होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस हवाले से भी मामला खैर अब जा रहे हैं। लेकिन जो इस सारी सूरत हाल में जो पॉजिटिव खबर है, जो मस्बत खबर है, जो बेहतरी की सूरत सामने आई है कि आसिम मुनीर साहब जनरल आर्मी चीफ, उनको एहसास हुआ कि अदारे ने बहुत गलतियां की हैं, बहुत ब्लंडर किए हैं, एक के बाद दूसरा बयान तब्दील किया है, तो उन्होंने आते ही डीजी आईएसपीआर को भी तब्दील किया, अदारे के अंदर भी कुछ तब्दीलियां की, जो उनका अपना स्ट्रक्चर है उसके अंदर हरारकी उसके अंदर तब्दीलियाँ की, और कुछ फजूल खर्ची होती थी उसके बारे में भी इतलात है कि वो अब नहीं की जाएगी, और ये नगमे और वो गाने वो सारे ड्रामे फिल्में उन पर भी काम बंद किया जाएगा, और बाकी भी जो फौज के मामलात हैं उनके अंदर अब जो है ना वो तहमुल से काम लिया जाएगा, मुल्क को बचाने के लिए सही मानों के अंदर वो उस पर काम होगा, सी पैक हो गया, आपकी सिक्योरिटी का इशू हो गया कश्मीर और बाकी उन पर। और फिर कल ये भी खबर आई थी कि जीएचक्यू ने इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन बंद कर दिया, रात को मैंने आपको ये खबर दी थी कि जीएचक्यू ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा मुहिम है वो सब कुछ बंद की जाए, तो लिहाजा वहाँ से बंद हो गई। तो आज इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि कोई भी सिंगल कोई पार्टी वर्कर हम उसे ऑन नहीं करेंगे जो फौज की क्यादत के खिलाफ या जो नए आर्मी चीफ हैं इनके खिलाफ कोई ट्वीट करेगा, कोई बयान देगा, या कोई उनको आप कह लें कि डीफेम या इंसल्ट करने की कोशिश करेगा या तनकीद करेगा, ऐसे ही प्रोपेगेंडा करेगा तो हम उसको ऑन नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से पीटीआई की जानब से भी और यहाँ जीएचक्यू से भी दोनों तरफ से सीज़ फायर हो चुका है, तो लिहाजा अब मस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। जमान पार्क के अंदर हंगामी और बड़ी मीटिंग्स शुरू हैं, कल परवेज़ इलाही साहब से भी खान साहब की मुलाकात हुई थी, बज़ाहिर तो परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया था कि हम खान के साथ खड़े हुए हैं, मोनिस इलाही ने भी खैर कहा कि हम खान की खातिर जान भी दे सकते हैं खड़े हुए हैं, लेकिन फिर उन्होंने बड़ी वो ढीली बात की कि हम तो बाजवा साहब के कहने पर गए थे, हमारी अपने तो कोई कद काठ नहीं, अपनी तो हमारी कोई बात नहीं थी, हमें तो उन्होंने कहा तो हम वहां पे चले गए, हमें तो नून लीग ने भी कहा हुआ था, हमें इन्होंने भी कहा हुआ था, लेकिन बाजवा साहब ने कहा कि आप इधर जाएं तो हम इधर चले गए। हो सकता है बाजवा साहब ना कहते तो फिर उधर चले जाते, हो सकता है फिर ऐसे ही, हम तो समझ रहे थे बड़ा सियासी फैसला किया मोनिस इलाही ने और काफली की इज्जत बचाई है, पार्टी बचाई है, बाप की इज्जत बचाई है, लेकिन पता चला कि वो तो हुक्म के गुलाम थे। लेकिन जी जमान पार के अंदर खान साहब ने मजीद जो पार्टी के रहनुमा हैं इवन जो एमपीएज हैं उनको भी इनवाइट कर लिया है, आज बुला लिया, उनसे राय ली जाएगी कि हम असेंबली डिसॉल्व करने लगे हैं, अगर किसी का एतराज़ है किसी को मसला है तो वो भी हमें अपने एतराज़ से आगाह कर दे, ताकि जमहूरियत के अंदर मुकम्मल तौर पर सब स्टेक होल्डर को तमाम लोगों को मुकम्मल एतमाद में लेकर यह बड़ा फैसला किया जाए, ऐसा ना हो कि बाद में कोई फॉरवर्ड ग्रुप बन जाए या कुछ लोग नाराज़ हो जाएं कि हमसे नहीं पूछा गया। तो खान साहब डिटेल के साथ एक एक बंदे के साथ मुलाकातें करने जा रहे हैं, तो ये तमाम तर मामलात हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।